शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग समस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग भी समस्त हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रिंकी रावत फैमिली ब्लॉग में। और टाइम 11 बज रहे हैं अभी और गर्मी हो रही है, भयंकर गर्मी, इतनी गर्मी, हालत ऐसी हो रखी ना जैसे कि नहा रहे होंगे पसीने से। मैं सुबह नाश्ता बना रही थी तो पसीना मतलब टावल साथ में रखना पड़ रहा है पसीना साफ करने के लिए, इतनी भयंकर यहाँ पे गर्मी हो रही है। और आरा वानिया यहाँ पे बैठे हैं कुछ गेम वगैरह खेलने के लिए। इनको मैंने वैसे लिखने के लिए दिया था लेकिन अभी वो गेम खेलो, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब अभी खेलो, थोड़ी देर बाद आप लोग लिख लेना। अभी गेम क्या खेल रहे हैं ये कुछ बताएंगे ये दोनों ही। कुछ बोला मम्मा हम टॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम जाने दिखाते हैं। आरा वानिया खुद ही बताएंगे क्या गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम है बिट्टू? सॉरी, कौन सा गेम खेल रहे हो? टॉस कर रहे हैं। टॉस कर रहे हैं? पर मैं भाई के सामने कर ले, भाई मुझे मार ला। अकेले अकेले खेल रहे हो? मम्मा तो मैंने आपको अर्थ पे लिखने के लिए दे रखा है ना, तो आप अर्थ पे लिखो। और आरब को मैंने कहा आप अर्थ पे मतलब लिखना, दोनों ने सेम है लेकिन एक ने इंग्लिश में लिखना एक ने हिंदी में लिखना। तो अन्य लिखेगी पृथ्वी पे और आरब लिखेगा अर्थ पे, है ना? तो देखते हैं कौन पहले लिखता है। देखो दोस्तों इनको कितना ये लड़ रहे हैं। आन्या आप दूसरा ले लो, 10 का सिक्का ले लो आप। अरे जाना, ये देखो लड़ाई में। ओ, ओ ओ अच्छा पापा देखेंगे वीडियो। अच्छा आरब बोलो मैं जीत गया। आरब और अभी देखो दोनों के दोनों भाई बहन खेलने लगे हैं और अब भी दोनों को इतनी भयंकर लड़ाई हुई। इधर से वो हटा दूंगी आपका। एक सिक्के के लिए इतना लड़ रहे हैं ये दोनों के दोनों, बताओ। दोनों को ना एक ही चीज चाहिए। अरे पास अभी इतने पॉइंट है। अगर हमने कभी इतने प्यार से खेलते हैं दोनों के दोनों और कभी इतना लड़ते हो आप लोग, मम्मी भी डर जाती है आपकी लड़ाई देख के। जी जो गंदा काम करेगा उसका 1 पॉइंट जाएगा। आदर सही से बैठो बेटा। जो गंदा काम करेगा उसका 1 पॉइंट जाएगा। तेरा यार मतलब तेरा 1 पॉइंट गया। नहीं गया, गंदे काम नहीं है। कहाँ जा रहे हो दोनों? तुम डंडी वंडी पकड़। खबरदार, रुक जो पापा को बताऊंगी मैं, इसने मुझे बोला कि खबरदार।
आने दे पापा को, मैं बताऊंगी पापा को। आने ने बोला मुझे खबरदार। क्या सॉरी पहले बोल दो और उसके बाद सॉरी बोलो। आने दे पापा को, दोनों की आज पिटाई हुई। तो दोस्तों मेरा नाश्ता पानी तो हो गया था सुबह, और फिर अभी काम भी नहीं पड़ चुका है, अभी तक नाश्ता नहीं हुआ। तो अभी वो उनका तो डेली है ये, जो उनका मैंगो से पी के उनकी टम्मी फुल हो जाती है, और अगर मैगी वगैरह बनाऊँ तो भूख लगती है उनको सुबह। हाँ, और आज तो उन्होंने कितने चिप्स भी खा रखे हैं खूब सारे, कल मैं उनके लिए चिप्स लेके आई थी, तो आज उनको ये था कि हमें फिनिश करने, तो आज सुबह सुबह उन्होंने फिनिश कर दिए दोनों ने। तो अभी मेरा काम नहीं पड़ गया, तो मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा मैं सुबह मैंने अभी साबूदाना की खिचड़ी खाई थी, तो अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा रोटी खाए। तो मैंने रोटी बना रखी है और सब्जी, सब्जी में मैंने बनाया तोरी की सब्ज़ी। तो अभी बच्चों का भी होगा ब्रंच, यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच मिक्स, उसको मुझे लग रहा है ब्रंच ही बोलते हैं, आ रहे हो क्या? ब्रेकफास्ट और लंच को मिक्स करके ब्रंच ओके। तो अभी कर लेते हैं है ना, तो मिलते हैं आप लोगों को लंच करने के बाद और बच्चों का ब्रंच करने के बाद। तो यहाँ पे ये ना बाहर से कुशन भी ले आए और दूसरे बेड के पिल्लोज भी ले आए, और सारा यहाँ पे इन्होंने ये पता नहीं क्या बना रही है ना। और मेरा और आन्या का तो खाना पीना हो गया है, लेकिन आरब को ना, आरब आन्या को सब्जी में हो गई लगी मिर्ची, क्योंकि बहुत तीखी हो गई थी सब्जी, मुझे खुद इतनी मिर्ची लगी कि वाह। और यहाँ पे है मेरे पास ये ड्रम स्टिक के लीव्स, क्योंकि ना कल आरब ने ड्रम स्टिक तोड़ी थी, तो दो ही तोड़ पाया, और उसके बाद लीव्स थी। तो एक बार मैंने ना मेरी फ्रेंड ने बताया था कि इसके ना पराठे बनते हैं, मैंने ऐसे ही घर पे बताया कि ड्रम स्टिक के जो लीव्स होते हैं ना उनके पराठे बनते हैं। तो आरब का तब से है कि मम्मा इसके पराठे बनाओ, और आप देखो बेटा लेट लेट के खा रहे हो। तो आरब कल भी लेके आया, तो जो पिछली बार हमें रावत जी ने तोड़ी थी ना, तो मैं क्या किया था मैंने कि उसकी लीव्स मैं वहीं फेंक के आ गई थी। तो इस बार आरब ने बोला नहीं मम्मा लिप्स भी ले जानी है और इनके पराठे बनाने हैं। तो मैं वही सोच रही हूँ कि कैसे इनके पराठे बनाऊँ, मुझे लग रहा है ये मेथी के जैसे इनके पराठे बनेंगे। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि इनको बॉईल कर दूँ, और बॉईल करने के बाद आटे में लगाऊँगी। ऐसे मैं कभी कभी ना मेथी के पराठे भी बनाती हूँ, तो देखते हैं अभी ऐसे ही बनते हैं कि कैसे बनते हैं। मुझे मैंने इसके पराठे आज तक नहीं खाए, लेकिन मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि इसके पराठे बनते हैं। तो क्योंकि ये ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ हैं इसके ड्रम स्टिक के, अरे दूर भी है। मैंने पहली देखे भी, मैंने पहली बार ड्रम स्टिक के पेड़। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों ना आरव खाते खाते खेल भी रहा है, और बैठ के बेटा पहले अपना खाना फिनिश कर दो आरव, ऐसे नहीं बाबू पहले खाना फिनिश कर दो। हाँ गधा। और मम्मा कहाँ पे लेटेगी फिर? आपने आज मैं नीचे लेटूँ? वैसे भी हम रात को ना यहाँ पे नीचे भी बिस्तर लगाते हैं, क्योंकि एक ही कमरे में एसी है ना, तो कूलर हमने इस बार निकाला नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लम्बिसान लगाते हैं, और यहाँ पे ऊपर सोते हैं मैं और आने, नीचे सोते हैं रावत जी और आरव। पहले अपना खाना फिनिश करो बाबू, बहुत नखरे कर रहा है ये आज, और दिन आने के नखरे रहते हैं खाना खाने में, आज आने ने जल्दी फिनिश कर लिया, आरब के नखरे हो रहे हैं। और साथ में किस में खा रहा है ये? मलाई के साथ ही रोटी खा रहा है आज। यहाँ पे मैंने दोनों कमरों के दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्योंकि गर्म हवा आ रही है बाहर से, और अभी यहाँ पे मैंने दरवाजे खोल रखे हैं क्योंकि बाहर मेरे अभी कपड़े सूख रहे हैं। तो किचन का दरवाज़ा बाद में बंद करूँगी जब कपड़े उठा के। मैंने दूध भी अभी फ्रिज में नहीं रखा है, क्योंकि लेट गर्म किया तो मेरे हैं अभी बर्तन धोने के लिए, तो मैं पहले बर्तन धो देती हूँ, और बर्तन धोने के बाद फिर मैं उठाऊँगी कपड़े, और कपड़े उठाने के बाद मैं थोड़ी देर करूँगी आराम, उसके बाद देखते हैं। आज आने का कराटे क्लास नहीं है, तो देखते हैं आगे, फिर थोड़ी देर मैं आराम करूँगी। आज मैंने कपड़े भी ज़्यादा धोए थे, और मैं हर रोज़ काफ़ी टाइम से मैं कपड़े हाथ में ही धो रही हूँ, पहले भी धोती थी लेकिन बीच में मैंने हाथ में से कपड़े धोने बंद कर दिए थे। तो अभी जैसे सोफ़े के कवर या बेड शीट वगैरह वगैरह होती है, तो ये चीज़ें मैं कपड़े मैं धोती हूँ मशीन में, और बाकी जितने अपने डेली यूज़ के रहते हैं वो सारे मैं धोती हूँ हाथ से, क्योंकि थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि हाथ से ही धोऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हर चीज़ हर काम अगर मशीन ही करेगी तो फिर हम क्या करेंगे। और दोनों अंदर लड़ने लगे हैं, वो थोड़ी देर खेलते हैं, थोड़ी फिर लड़ाई शुरू हो जाती है उनकी, उसके बाद फिर से वो ऐसे हो जाते हैं जैसे ही कभी लड़ते ही नहीं हैं। तो बच्चे हैं
उनका तो ऐसे ही चलता रहता है। तो फिलहाल दोस्तों मैं धो देती हूँ बर्तन, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। यहाँ पे ना जो ड्रम स्टिक की लीव्स हैं उनको मैं ऐसे धो रही हूँ क्योंकि एकदम वो छोटी छोटी हैं, तो मैंने कहा अगर पानी में डालूंगी तो ऐसी बिखर जाएगी, इसलिए मैंने उनको ये बास्केट में रख के और फिर पानी भर रही हूँ बास्केट में, फिर ऐसे करके अच्छे से धोऊंगी दो तीन पानी से, नहीं तो एकदम छोटी छोटी लीव्स होती हैं इसकी ना ये देखो, तो पानी में ही फिर टाइम लगेगा, इससे अच्छा ऐसे करके धोऊँ तो जल्दी धुल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो दिए हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि इनको अच्छे से धो के, धो तो दिए मैंने अच्छे से धो दिए चार पांच पानी से, और अब थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है तो सोच रही हूँ इनको बॉईल कर दूँ जब तक मेरे मैं कपड़े उठाती हूँ, है ना, क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा है ना, तो ये बॉयल कर देती हूँ। तो जो मैंने अभी ना ड्रम स्टिक के लीव्स जो मैंने बॉईल कर रखी हैं, इनके पराठे हम आज नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सूख रहे थे, तो इसलिए मैंने इनको बॉईल करके रख दिया है, और इनके पराठे मैं बनाऊंगी कल शाम को क्योंकि सुबह भी नहीं बना पाऊंगी क्योंकि सुबह रावत जी ले जाते हैं लंच बॉक्स, तो मुझे सब्जी रोटी ही बनाना होता है, तो इनके पराठे मैं कल बनाऊँगी, तो कल आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे पराठे कैसे बने, फर्स्ट हम लोग भी फर्स्ट टाइम खाएंगे। तो मैंने दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पर कर देती हूँ एंड, उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलती हूँ मैं कल आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।